हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने एंड्रॉयड के एप्लीकेशन को गूगल प्ले कंसोल में कैसे पब्लिश करेंगे। तो गूगल प्ले कंसोल का न्यू वर्जन आ चुका है और इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि कैसे इसको पब्लिश करना है, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने गूगल प्ले कंसोल को ओपन कर लेना है। तो पहली बार आप इसको ओपन करेंगे तो इसको आपको परचेस करना होगा। सबसे पहले आपको $25 पे करना पड़ता है। इसको परचेस करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्रिएट योर प्रोजेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको सिंपली क्रिएट ऐप पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ से आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको अपने एप्लीकेशन का नेम यहाँ पर ऐड करना है। तो यहाँ पे प्ले कंसोल का जो इंटरफेस है काफ़ी चेंज हो गया है और यहाँ पे न्यू वर्जन यहाँ पे आ चुका है, यानी गूगल प्ले कंसोल का हमेशा अपडेट होता रहता है। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट चीज़ ऐड हो चुका है, वो हम आपको बता देंगे। पहले यहाँ पे जो भी है उसको हम करते हैं। तो यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज चूज कर लेना है, तो मैंने ENUS कर लिया। और यहाँ पे मेरा ऐप है तो ऐप मैंने कर लिया। अगर आपका गेम रहेगा तो गेम कर लेना है। फिर आपका जो एप्लीकेशन है फ्री है कि पेड है, तो यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन फ्री है तो फ्री पे चूज कर लेना है। इन दोनों को टिक कर देंगे और यहाँ पे क्रिएट ऐप पर क्लिक कर देंगे। करने के बाद यहाँ पे हमारा जो एप्लीकेशन है यहाँ से क्रिएट हो जाएगा और इसके बाद से जो हमारा इसका नेक्स्ट प्रोसेस है वो हम इसमें करके बताएंगे। तो यहाँ से हम इसको ओपन कर लेते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं स्टार्ट टेस्टिंग नाउ, यहाँ पे आपको एक टेस्टिंग नाउ का एक ऑप्शन एक्स्ट्रा आ गया है जो कि पहले नहीं था, यहाँ पे आ चुका है। आप पहले से भी आप चेक कर सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है या नहीं। तो फिलहाल आपको यहाँ पे नीचे आना है, सेटअप योर ऐप के अंदर, इसके अंदर आएंगे और यहाँ पे ऐप एक्सेस लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको इस फील्ड को पूरा जो भी है उस सबको फिलअप करना है, ठीक है, इन सबको। तो उसके बाद फिलअप करने के बाद आपको सबसे लास्ट स्टेप है पब्लिश योर ऐप, उसको फिलअप करना होता है। तो फिलहाल हम यहाँ से ऐप एक्सेस पे क्लिक किया मैंने और इसके बाद यहाँ पे ऑल फंक्शंस इस पर आपको टिक कर देना है। जस्ट क्लिक ऑन सेव, ये हमारा सेकेंड वाला जो कि सारे स्टेप्स हमें कंप्लीट करना है। फिर हमें यहाँ पे डैशबोर्ड पे फिर से जाएंगे बैक और बारी बारी से सबको यहाँ पे कंप्लीट करना है। आपको फर्स्ट वाले को नहीं कुछ करना है, सेटअप योर ऐप है उसी को आपको सारे स्टेप्स करना है। फिर यहाँ पे एड्स पर क्लिक करना है और यहाँ पे हमें बताना है कि हमारा जो एप्लीकेशन है इसमें ऐड है कि नहीं है। तो यहाँ पे मेरे एप्लीकेशन में ऐड है, मैंने ऐड लगाया हुआ है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट वाले पे टिक कर देना है। अगर आपके एप्लीकेशन में ऐड नहीं है तो आपको नीचे वाले पे टिक करना है। तो फिलहाल हम यहाँ से एस पे, यानी कि फर्स्ट वाला जो इसका ऑप्शन है, यहाँ पे फर्स्ट वाले पे क्लिक कर देंगे। जस्ट क्लिक ऑन सेव। इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताएंगे और इसमें सारे स्टेप्स आपको बता देंगे जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो यहाँ से हम हो चुका कंप्लीट, यहाँ पे देख सकते हैं नीचे सेव हो गया। फिर आपको यहाँ पे सिंपली फिर से डैशबोर्ड पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे क्लिक हो गया। जस्ट यहाँ पे नीचे आएंगे, आप देख सकते हैं दो स्टेप कंप्लीट हो गया है। यहाँ से आपको कंटेंट रेटिंग पर फिर से क्लिक कर देना है और यहाँ पे हमें कंटेंट रेटिंग का जो रेटिंग वाला पार्ट है उसको हमें करना है। तो यहाँ पे स्टार्ट क्वेश्चनियर, जस्ट इस पर क्लिक कर देना है और इसके बाद से आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस ऐड करना है। आपको वही ईमेल एड्रेस ऐड करना है, जब भी आप कोई भी नोटिफिकेशन आएगा इस ऐप से रिलेटेड तो आपको उसी मेल में उस नोटिफिकेशन आएगा आपके एप्लीकेशन से रिलेटेड। जैसे कि ऐप पब्लिश हो जाएगा तो आपको इसी मेल में जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से आपको अपने मेल आईडी को ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन है वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है वो कैटेगरी आपको यहाँ से चूज कर लेना है। तो मेरा मेनली VPN का ऐप है, यानी कि टूल्स से रिलेटेड एप्लीकेशन है। तो यहाँ से हम यूटिलिटी लास्ट वाला है, इसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। आपका एप्लीकेशन अगर कोई और एप्लीकेशन है तो उसके अकॉर्डिंग आपको कैटेगरी चूज कर लेना है। जस्ट यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे और उसके बाद से आपको यहाँ पर कंटेंट रेटिंग वाला पार्ट है इसको यहाँ पर जो भी रीड करना चाहते हैं रीड कर सकते हैं, अदरवाइज सब पे आपको नो नो पे क्लिक कर देना है। इसके बाद से आप देख सकते हैं प्रमोशन, एज रिस्ट्रिक्शन है एप्लीकेशन में या नहीं, तो आपको यहाँ पे सारे का आंसर देना होता है। तो हम यहाँ पे सारे का जो आंसर है यहाँ पे मैंने नो कर दिया। ओके, आप यहाँ से रीड करके आप इसको कर लीजिए। इसके बाद यहाँ से सेव पर क्लिक कर देना है और सेव कर लेने के बाद यहाँ पर जो आप देख सकते हैं सबमिटिंग, यानी कि सबमिट हो रहा है। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर इसको सबमिट कर देना है। तो जस्ट क्लिक ऑन सबमिट।
तो हमारा सबमिट हो चुका है। अगर आप इसको फिर से सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कुछ एरर दिखाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑलरेडी सब कुछ हो चुका है, जैसे मैंने सबमिट पे क्लिक किया आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का एरर आएगा। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये बस ऐसे ही है, बस यहाँ पर आपको डैशबोर्ड पर फिर से क्लिक कर देना है। तो आपका जो डैशबोर्ड है यहाँ से ओपन हो जाएगा। तो हमारा ये सारे जो स्टेप्स हैं कम्प्लीट हो चुके हैं, बाकी सारे जो स्टेप्स हैं उसको हम करेंगे। अब यहाँ पे टारगेट ऑडियंस, जस्ट क्लिक ऑन टारगेट ऑडियंस। यहाँ पे हमें अपने जो भी ऑडियंस है उसको हमें टारगेट करना है, तो हमने इस पर क्लिक किया। और इसके बाद से आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइवेसी पॉलिसी रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे जो भी 13 से रिलेटेड जिसका जो एज है, एज ऑफ 13 से अगर कम रहेगा एज जिसका, तो अगर आपका एप्लीकेशन 13 से कम वाले एज के लिए एप्लीकेशन है तो आपको अपने एप्लीकेशन में प्राइवेसी पॉलिसी को ऐड करना है। अगर उससे ज़्यादा एज वालों के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फिलहाल यहाँ से हम नेक्स्ट पे क्लिक कर दिए 13 वर्ड से लेकर के। और इसके बाद से यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी एप्लीकेशन, हमारा जो एप्लीकेशन है चिल्ड्रेन के लिए कोई अपील नहीं है, तो जस्ट यहाँ पर नो पे क्लिक कर देना है। और इसके बाद यहाँ पर हमें नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, आप चाहें तो इसको रीड भी कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, या फिर हमारे प्रोसेस को आप फॉलो कीजिए, इजीली सब कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पे नीचे सबमिटिंग हो रहा है, यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। और ठीक है, हमें यहाँ पे नीचे देख सकते हैं सबमिट हो जाने के बाद आपको सिंपली फिर से डैशबोर्ड पे क्लिक कर देना है। और क्लिक होने के बाद हमारा जो डैशबोर्ड है ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे न्यूज ऐप पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको बताना है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो न्यूज से रिलेटेड है या नहीं है। तो अगर आपका एप्लीकेशन न्यूज़ से रिलेटेड होगा तो उसके लिए अलग से कुछ लगेगा। आपको यहाँ से यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, आप इसको रीड कर सकते हैं। फिर हम फिलहाल मेरा जो एप्लीकेशन न्यूज़ से रिलेटेड नहीं है, यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर सेव कर देना है। तो यहाँ पे सेव हो चुका है, जस्ट यहाँ पे डैशबोर्ड पे फिर से क्लिक करना है। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप्स है उसको हमें कंप्लीट करना है। जस्ट आएंगे नीचे और यहाँ पे सेलेक्ट एंड कैटेगरी, इस पर जस्ट क्लिक करना है। यहाँ पे हमें बाकी सारे जो कैटेगरी है वो हमें प्रोवाइड करना है अपने एप्लीकेशन के लिए, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। ये हमारा स्टोर लिस्टिंग वाला पार्ट है, इसमें सारे स्टोर से रिलेटेड जो भी पार्ट है उसको हमें यहाँ पे फिलअप करना है इस सारे फॉर्म को। तो यहाँ से हमें ऐप और गेम, तो हमारा जो एप्लीकेशन है ऐप से रिलेटेड है या गेम है, तो यहाँ से आपको चूज कर लेना है। तो मेरा जो एप्लीकेशन है यहाँ पे मेनली टूल्स से रिलेटेड है, तो यहाँ पे जो इसकी कैटेगरी मैंने दे दिया टूल्स। और यहाँ पे टैग है, तो टैग आपको यहाँ पे चूज कर लेना जो भी कैटेगरी से रिलेटेड है। यहाँ पे आप जब सर्च करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से मैंने अपने एप्लीकेशन के लिए यहाँ पे जो टैग भी डिफाइन कर दिया। इसके बाद से यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस, तो यहाँ पे अपने ईमेल एड्रेस को ऐड कर देना है। यहाँ पे फ़ोन नंबर है, तो आप फ़ोन नंबर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं अथवा नहीं। अदरवाइज यहाँ पे आपका जो वेबसाइट है, तो वेबसाइट भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, सारे ऑप्शनल है। इसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली सेव पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है स्टोर लिस्टिंग वाला पार्ट। और इसके बाद यहाँ पे आपको आ जाना है, फिर से डैशबोर्ड पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपको नीचे आना है, जैसे हमारा ओपन हो रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है सेटअप योर स्टोर लिस्टिंग। तो यहाँ पे स्टोर लिस्टिंग यहाँ पे हमें सेटअप करना है, जस्ट इस पर क्लिक कर देना है। हमारा जो कैटेगरी वाला पार्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे हमारा स्टोर लिस्टिंग वाला पार्ट है, इसको भी हमें यहाँ से फिलअप करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं जो एप्लीकेशन का नेम आपने स्टार्टिंग में दिया था, आप यहाँ से फिर से आप चेंज कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे ग्राफिक्स है, इमेजेज है, और यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट्स है वो सारे इमेजेज आप यहाँ से ऐड करेंगे। तो फिलहाल सबसे पहले आपको यहाँ पे ऐड करना है अपने एप्लीकेशन का नेम। तो एप्लीकेशन का नेम जो आपका नेम है, आप यहाँ से थोड़ा सा इसका जो भी कीवर्ड्स है, कीवर्ड से रिलेटेड आप यहाँ से नेम दे सकते हैं, जिससे कि यहाँ पे सर्चिंग में ईजी रहता है। ठीक है, तो यहाँ से हम अपने एप्लीकेशन का नेम यहाँ से हम ऐड कर देते हैं। और यहाँ से हम ऐड कर दिए अपने एप्लीकेशन का नेम। करने के बाद यहाँ पे जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे लिखा हुआ 80 वर्ड, तो 80 वर्ड से आपको यहाँ पे ऐड करना है। अगर उससे ज़्यादा ऐड करते हैं तो ऐड नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और फुल डिस्क्रिप्शन आपको अपने एप्लीकेशन के लिए लिख लेना है पहले से ही। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपका जो भी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है वो कहीं से भी कॉपीड ना हो। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे जो ऐप की आइकन है वो 512 इसकी हाइट एंड विड्थ होनी चाहिए। तो यहाँ से अपलोड पे क्लिक करेंगे, तो मैंने एक आइकन बनाया हुआ है, यानी कि लोगो बनाया हुआ है अपने एप्लीकेशन के लिए, जिसकी साइज 512 और 512 है। तो यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं जहाँ पे भी हमने अपने लोगो को रखा हुआ है। तो यहाँ से मैंने रखा हुआ है, इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, जस्ट क्लिक ऑन ओपन। और यहाँ पे हमारा
आ जाएगा। इसकी साइज़ देख सकते हैं 1 MB तक होनी चाहिए, अगर उससे ज़्यादा होगा तो अपलोड नहीं करेगा। तो अगर ज़्यादा होता है तो आप यहाँ पे रिड्यूस कर लीजिए अपने इमेज की साइज़ को, और यहाँ पे जो इसकी इमेज का जो भी साइज़ है और इसके बाद से जो हाइट और विड्थ है वो भी आपको करेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से हमने अपने जो भी फीचर्ड ग्राफिक्स इमेज है उसको भी ऐड कर लेंगे, जिसकी साइज़ यहाँ पे देख सकते हैं 1024 x 500, यहाँ पे हाइट एंड विड्थ होनी चाहिए। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि कितनी साइज़ होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद से स्क्रीनशॉट है, स्क्रीनशॉट यहाँ से हम ऐड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट मैंने बनाए हुए हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग स्क्रीनशॉट डिज़ाइन कर लीजिए। ऑनलाइन भी बहुत अच्छे अच्छे स्क्रीनशॉट डिज़ाइन हो जाते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे कैसे स्क्रीनशॉट बनाते हैं, ओके। तो यहाँ से मैंने ऐड कर दिया बाकी सारे जो स्टेप्स हैं उसको, और यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन वो भी ऐड हो गया। इसके बाद से लॉन्ग डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। पहले यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है उसको पहले हम चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ पे लॉन्ग डिस्क्रिप्शन मैंने कुछ लिखा हुआ है तो अपने एप्लीकेशन से रिलेटेड, तो यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं अपने फुल डिस्क्रिप्शन को। आपको यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन होगा आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग लिखना है, और यहाँ पे कहीं से भी कुछ भी कॉपी नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि अगर कॉपी करते हैं तो आप पब्लिश होने में प्रॉब्लम आ सकती है, तो बेटर यही रहेगा कि स्टार्टिंग पॉइंट अगर आपका है तो आप 2 से 4 लाइन ही बस यहाँ पे फुल डिस्क्रिप्शन लिखिए। अगर आपको पता है इसके बारे में तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है। बाकी सारे जो पार्ट आप यहाँ से रीड कर सकते हैं, सारे ऑप्शनल हैं, ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अदरवाइज जो इंपॉर्टेंट वाला था उसको मैंने ऐड करके बता दिया। नीचे सेव पर मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं सक्सेसफुली यहाँ पे सेव हो गया, और होने के बाद आपको फिर से यहाँ पे डैशबोर्ड पे आ जाना है, और यहाँ पे नीचे आएंगे सबसे लास्ट है। देख सकते हैं सारे स्टेप यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, यहाँ पे अब नहीं शो पे आ रहा है। अब आपको सबसे लास्ट वाले स्टेप में आ जाना है, पब्लिश योर ऐप पर यहाँ पे सेलेक्ट कंट्री और रीजन पे क्लिक कर देना है, ऐड कंट्री और रीजन यहाँ पे इसको टिक कर देना है, और यहाँ पे इसको ऐड कर देना है। जस्ट क्लिक ऑन ऐड, तो यहाँ पे सारे जो कंट्री होंगे इससे रिलेटेड वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे कंट्री ऐड हो गया। इसके बाद यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। आप चाहें तो यहीं से क्रिएट न्यू रिलीज पे भी क्लिक कर सकते हैं। फिलहाल हम नीचे आते हैं फिर से सबसे लास्ट में, और यहाँ पे क्रिएट न्यू रिलीज जस्ट इस पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे क्रिएट अ न्यू रिलीज पे क्लिक करेंगे। और आपको यहाँ पे एक साइन APK या फिर .AAB फाइल होता है, आप दोनों में से किसी भी एक फाइल को अपलोड कर लेंगे। तो यहाँ से हम इस पे क्लिक करेंगे, और जहाँ पे भी आपने रखा हुआ है अपने साइन APK को तो वहाँ पे अपलोड करना। पहले आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अभी देख सकते हैं नीचे यहाँ पे इनेबल, यहाँ पे डिसेबल है। जैसे यहाँ पे मैंने कंटिन्यू किया, एक्सेप्ट लाइसेंस यहाँ पे एग्रीमेंट, पहली बार आप करते हैं तो यहाँ पे एक्सेप्ट लाइसेंस एग्रीमेंट करना पड़ता है। जस्ट क्लिक ऑन एक्सेप्ट, इसके बाद नीचे वाला जो पार्ट है यहाँ पे इनेबल हो जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं इनेबल हो गया। अब आपको यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना है, और यहाँ पे मैंने रखा हुआ है .AAV फाइल, तो यहाँ से हम इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। .AAV फाइल और .signAPK फाइल जो दोनों में डिफरेंट बस इतना ही होता है कि .AAV फाइल होता है उसकी साइज़ थोड़ी सी कम होती है, और जो signAPK होती है उसकी साइज़ थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो दोनों में से आप कोई भी अपलोड कर लेंगे। तो यहाँ से हम .AAV फाइल अपलोड करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपलोड हो चुका मेरी फाइल। इसमें अपलोड होने में आपको नेट की स्पीड पर डिपेंड करता है, नेट की स्पीड अगर अच्छी रहेगी तो जल्दी से अपलोड हो जाएगा, अदरवाइज आपको वेट करना होगा। और अगर कोई उसमें एरर आता है आपके APK में तो वहाँ पे एरर भी दिखा देगा कि क्या एरर आ रहा है। अगर आपको एरर समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हो चुका है अपलोड। उसके बाद से यहाँ पे जो रिलीज नोट्स है, तो रिलीज नोट में आप अपना जो डिस्क्रिप्शन से है थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारा ऐड हो चुका है, और उसके बाद से रिलीज नोट है 1.0.0। आप देख सकते हैं सारे स्टेप अपने आप यहाँ पे ऐड हो जाते हैं, ऊपर वाला पार्ट और नीचे रिलीज नोट में आप यहाँ से कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद यहाँ पे हमारा सारा स्टेप्स हो चुका है। अब यहाँ पे आपको नीचे आना है और यहाँ पे सेव पर जस्ट क्लिक कर देना है। तो यहाँ से हमारा सेव पे क्लिक हो चुका है, और इसके बाद से हम इसको थोड़ा सा वेट कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हो चुका, और जस्ट यहाँ पे रिलीज रिव्यू रिलीज पे जस्ट क्लिक कर देंगे, और हमारा जो रिलीज है यहाँ पे रिव्यू में चला जाएगा। तो यहाँ से हम कर लेंगे। इसके बाद स्टार्ट रोल आउट का आपको एक ऑप्शन मिले, यहाँ पे वार्निंग आता है, आपको इसको इग्नोर करना है, और यहाँ पे स्टार्ट रोल आउट पे जस्ट क्लिक करना है। जस्ट क्लिक ऑन रोल आउट,
यहाँ पे हमारा जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली रोल आउट हो चुका है, यानी कि हमारा जो एप्लीकेशन है आपको रोल आउट करने का थोड़ा सा वेट कर लेना होगा 2-4 सेकंड का। इसके बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाएगा कुछ इस टाइप का। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिव्यू में इन रिव्यू, यानी कि आपका जो एप्लीकेशन इन रिव्यू में चला गया है। और अगर पहली बार एप्लीकेशन को पब्लिश किए हैं तो यहाँ अप्रॉक्सीमेट 3 to 15 days लग सकता है इसको पब्लिश होने में। जब हो जाएगा तो आपके मेल आईडी पे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका एप्लीकेशन पब्लिश हो चुका है, आप देख सकते हैं इन रिव्यू में आ चुका है। तो इस तरह से बहुत इजी तरीके से आप अपने एप्लीकेशन को पब्लिश कर सकते हैं अपने न्यू प्ले कंसोल में। अगर कोई प्रॉब्लम आती है या फिर कोई क्वेश्चन या कोई डाउट आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर अगर एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।